सेडेंट्री, सेडेंट्री के मीनिंग है कोई इनएक्टिव चीज, जैसे कि कोई पर्सन जो ज्यादातर टाइम बैठे रहने में गुजारे, जिसकी कोई एक्टिविटी ना हो, समवट इनएक्टिव हम जैसे कहें वो सेडेंट्री है, यानी कि जिसमें मोशन ना हो। तो ऑप्शन ए देखें, अफ्रेड, खौफजदा, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एक्टिव, यस, ये इसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि हमने सेडेंट्री का अपोजिट लेना है एंटोनिम्स में, तो सेडेंट्री जिसमें एक्टिवनेस ना हो, तो एक्टिव इसका अपोजिट होगा। यस, लॉयल नहीं हो सकता, एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, तो सेडेंट्री का अपोजिट यानी कि एंटोनिम है ऑप्शन बी, एक्टिव। ट्राइट, ट्राइट के मीनिंग है कोई चीज अपनी ओरिजिनलिटी या फ्रेशनेस खो दे ओवर यूज की वजह से, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो बोसीदा हो जाए, उसमें फ्रेशनेस ना हो या वो डल हो जाए। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? यस, ऑप्शन ए में ओरिजिनल इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ट्राइट ओरिजिनल नहीं होती, ओवर यूज हो चुकी होती है, तो ओरिजिनल का मतलब इसका अपोजिट है। फिर है ऑप्शन बी, करेक्ट, ये नहीं हो सकता। प्रीमेच्योर, ये भी नहीं हो सकता। सर्टन, नहीं हो सकता। तो ट्राइट का अपोजिट हो सकता है ऑप्शन ए, ओरिजिनल। स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ, जैसे कि पानी किसी जगह पॉन्ड में या किसी लेक में मूव ना कर रहा हो, एक ही जगह रुका हुआ हो, जैसे जोहड़ वगैरह होते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेगनेंट। वाटर किसी जगह पर क्लोज हो जाए और उसमें लहरें वगैरह और मूवमेंट ना हो, फ्लो ना हो वाटर का, नो फ्लो, तो उसे कहते हैं स्टेगनेंट। इसका अपोजिट क्या होगा? जाहिर है मोबिलिटी, स्टेगनेंट में मोबिलिटी नहीं होती और मोबिलिटी इसका अपोजिट होगा। प्रोग्रेस नहीं हो सकता, इनर्शिया नहीं हो सकता, इनवेरिएबल नहीं हो सकता। स्टेगनेंट में फ्लो नहीं होता और मोबिलिटी उसका अपोजिट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, टर्बिड। कोई भी लिक्विड जो क्लाउडी हो गया हो, जिसमें पार्टिकल सस्पेंड कर रहे हो, धुंधलापन उसमें पाया जाए, उसे कहते हैं टर्बिड। इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर, देखें, देखने से ही पता लग रहा है, इस टर्बिड का मतलब है धुंधलापन और क्लियर उसका अपोजिट है। ऑनेस्ट नहीं हो सकता, इनवेरिएबल नहीं हो सकता, इम्प्रोबेबल नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैरन। बैरन के मीनिंग है बंजर, जिसमें फसलें उगाई ना जा सके, जिसकी पैदावार ना हो, तो फर्टाइल इसका अपोजिट है। फर्टाइल, जिसके ऊपर फसलें आसानी के साथ उगाई जा सकती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखें, क्रिएटर नहीं हो सकता, रिजेक्टिंग नहीं हो सकता, लैकिंग फ्रीडम नहीं हो सकता, बैरन बंजर, फर्टाइल उसका अपोजिट है। एथीस्ट, जो खुदा को नहीं मानता, जो किसी भी मजहब का बिलीवर नहीं होता, तो इसका अपोजिट जाहिर है खुदा को मानने वाला होगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहा है, बिलीवर, बिलीव करने वाला किसी भी खुदा पर। तो थ्योरिस्ट नहीं हो सकता, स्केप्टिक जो कि शक के शुभों में हो वो भी नहीं हो सकता, और बेन, कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनायंस, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हैपेजर्ड, हैपेजर्ड बगैर किसी तरतीब, किसी सीक्वेंस के, तो इसका अपोजिट जाहिर है सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि हैपेजर्ड में कोई सिस्टम नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, बिला तरतीब कोई चीज होती है, तो इसका अपोजिट सिस्टमेटिक हो सकता है। सेंचुरी, पनागा, नहीं हो सकता, डेंजरस नहीं हो सकता, एक्सटेसी, एक्सट्रीम जॉय, ये भी इसका अपोजिट नहीं बनता, तो हैपेजर्ड का अपोजिट होगा ऑप्शन ए। इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, इनएविटेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसमें होना ही होता है। अब इनएविटेबल क्या हो गया? जो अनअवॉइडेबल है, जिसमें होना है, और इसका अपोजिट क्या बनेगा? डी, अनसर्टेन, जिसका शक व शुबा हो कि ये होगा या नहीं होगा। इनएविटेबल वो होता है जिसमें होना है, तो इसका अपोजिट जाहिर है डी ही हो सकता है, अनसर्टेन। ईटेबल नहीं हो सकता, हाफ बेक नहीं हो सकता, अनअवॉइडेबल इसका सिनोनिम है,
इनएविटेबल भी अनअवॉइडेबल होता है, ये सिनोनिम तो हो सकता है, एंटोनिम नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेलाइन, इवल इन नेचर, बुराई, बुरा भला। तो इसके अपोजिट में देखें क्या हो सकता है, रिप्रेस। रिप्रेस के मीनिंग होते हैं सप्रेस करना किसी चीज को, दबा देना, ये नहीं हो सकता। प्रेज, यस, मुलायम का मतलब बुरा भला और प्रेज का मतलब तारीफ, ये इसका अपोजिट हो सकता है। प्यूरिफाई, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता, किसी चीज को साफ करना। स्लैंडर, इल्जाम लगाना, ये सिनोनिम में तो हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता, इसलिए इसका एंटोनिम है प्रेज, ऑप्शन बी। ऑब्लिगेटरी, जरूरी, जो जरूरी करना है, ऑब्लिगेटरी है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, ऑप्शनल, जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, तो इसलिए अपोजिट तो यही बनता है इसका। डाइवोर्स्ड नहीं हो सकता, फ्रेंडली नहीं हो सकता। फिसाइल, फिसाइल के मीनिंग है कि असल जो इशू है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना समझना या इग्नोर कर देना, सुपरफिशियल कह सकते हैं आप। तो इसका अपोजिट है, ऑब्लिगेटरी का अपोजिट है ऑप्शन ए में ऑप्शनल। रिमोट, दूर, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर को हम कहते हैं रिमोट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नियर। रैक नहीं हो सकता, ये है, रैक के मीनिंग है डिस्ट्रक्शन ऑफ ए शिप, समंदर में जो शिप होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन। सीओ का मतलब सीना, तो जैसे कपड़े सीना है, डिफरेंट के मीनिंग आपको पता है, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। रिमोट का मतलब दूर, नियर जो है इसका अपोजिट है। रूथलेस, बेरहम, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, मर्सीफुल, मेहरबान, रहम करने वाला, मर्सीफुल, तो इसका अपोजिट लगता है ए ही ऑप्शन बनेगा, बाकियों को देख लेते हैं। मैक्सिमम नहीं हो सकता। मैजेस्टिक कहते हैं शोइंग इंप्रेसिव ब्यूटी ऑफ स्केल, यानी कि बहुत ज्यादा ब्यूटी को शो करना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। माइटी, माइटी का मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेट इंप्रेसिव पावर, ये भी नहीं हो सकता। रूथलेस का अपोजिट मर्सीफुल, ऑप्शन ए। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब है खुशामद करना, खुशामद का अपोजिट क्या होगा, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, तो डिफेंस इसका अपोजिट नहीं हो सकता। प्योरिटी नहीं हो सकता, ब्राइटनेस नहीं हो सकता, सिर्फ क्रिटिसिज्म ऐसा है जो इसका अपोजिट है। एडुलेशन, किसी की बेजा तारीफ करना, खुशामद करना, क्रिटिसिज्म, उस पर तनकीद करना, तो इसका ऑप्शन है ए। एडवोकेट, सपोर्ट करना, किसी को पब्लिकली सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, और इसका अपोजिट क्या होगा, अपोज। एडवोकेट, अपोज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एंटोनिम्स हैं। रिमूव नहीं हो सकता। डिसर्न का मतलब है किसी चीज को रिकग्नाइज करना, फाइंड आउट करना, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। इंस्पेक्ट, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इंस्पेक्ट के मीनिंग है किसी चीज को सर्च करना, तलाशी लेना, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एफ्लुएंस, अमारत, यानी कि किसी के पास पैसा, चीजें ज्यादा हो, तो स्टेट ऑफ हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ, एफ्लुएंस यानी कि रिचनेस, अमीर होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पॉवर्टी। फियर नहीं हो सकता, पर्सुएशन नहीं हो सकता, निग्लेक्ट नहीं हो सकता। एफ्लुएंस, अमारत, पॉवर्टी, गुर्बत, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर है। बेलिकॉस, बेलिकॉस का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना, झगड़ालू किस्म का बंदा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखें दूर से नजर आ रहा है ऑप्शन बी में, पीसफुल। नेवल नहीं हो सकता, अम्यूजिंग नहीं हो सकता, पीस मील, पीस मील अनसिस्टमेटिक वे थ्रू पार्शल मेजर्स, किसी चीज को पार्शली करना, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर है पीसफुल, बेलिकॉस, झगड़ालू, पीसफुल, जो लड़ता झगड़ता ना हो। ब्रेजन, ब्रेजन होता है बहादुर, बोल्ड, विदाउट शेम, तो विदाउट शेम, तो इसका अपोजिट क्या होगा, विदाउट शेम,
शाई इसका अपोजिट नजर आ रहा है। बोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि बोल्ड तो इसका सिनोनिम है। इंसोलेंट, रूडनेस, रूड शो करना, एरोगेंट शो करना, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये नहीं हो सकता। मेड ऑफ कॉपर नहीं हो सकता, इसका आंसर है शाई। कंपलसरी, जरूरी, कंपलसरी के मीनिंग है जरूरी, तो ऑप्शनल इसका अपोजिट है। वॉलेंट्री नहीं हो सकता, नेसेसरी नहीं हो सकता, श्योरली नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेंट्रीफ्यूगल की मीनिंग है अवे फ्रॉम दी सेंटर, जैसे कि अगर कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो इस पर जो फोर्स लगती है जो इसको अवे फ्रॉम दी सेंटर लेकर जा रही है, सेंटर ये है, इससे अवे लेकर जा रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल है। और जो इसको सेंटर की तरफ लेकर जाएगी, एक्ट कर रही है टुवर्ड्स दी सेंटर, वो है सेंटीपीटल। तो सेंटीफ्यूगल और सेंटीपीटल एक दूसरे के अपोजिट है। सेंटीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंटीपीटल टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए सेंटीफ्यूगल का अपोजिट है सेंटीपीटल। एक्सट्रिंसिक फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि किसी में इनबिल्ट क्वालिटी या कोई चीज ना होना, बल्कि वो एक्वायर होना फ्रॉम आउटसाइड, ये आउटसाइड की चीजें हैं जो हम गेन करते हैं या एक्वायर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। तो अब इसका अपोजिट होना चाहिए इन बिल्ट, तो इनहेरेंट इसका अपोजिट है। स्विफ्ट नहीं हो सकता, रेपुटेबल नहीं हो सकता, एम्बिशियस नहीं हो सकता। इसका एक्सट्रिंसिक फ्रॉम द आउटसाइड, इनहेरेंट फ्रॉम नेचुरली इन बिल्ट इन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।